ड्रामा सीरियल दिल अवैज की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शहाबुद्दीन साहब अपनी बेटी दिल अवैज से कहता है कि देखो बेटा, हम जानते हैं कि हमने आपके साथ बहुत नाइंसाफी की है, हमें आपको भी वैसा ही प्यार देना चाहिए था जैसे हमने पारिया को दिया था, मगर हमारी सारी तरबियत किसी काम न आई। और आप तो दिल अवैज कहती है, हमें बहुत शौक था कि हम आपको अबू कहकर पुकारे, मगर कभी हमारी जुरत ही नहीं हुई। तो शहाबुद्दीन साहब दिल अवैज को गले लगाकर कहता है, आपने तो सिकंदर से शादी करके हमारा मान रख लिया, अब हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं और हम जानते हैं कि सिकंदर का रवैया आपके साथ नामुनासिब है, हम चाहे तो मगर बेटा। तो दिल अवैज कहती है, अबा जान, आपको हमसे कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। दूसरी तरफ पारिया और यासिर बाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो पारिया यासिर से कहती है, देखा यासिर, आखिर हमने अपनी मोहब्बत को पा ही लिया। तो यासिर मुस्कुराकर पारिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आप यकीन करिए पारिया, हम आपका हाथ सारी जिंदगी थामे रखेंगे। तो पारिया भी मुस्कुराकर यासिर का हाथ दबाती है। तो यासिर कहता है, पारिया अगर तुम बुरा न मानो तो मैं कल से काम पर चला जाऊँ, कब तक घर में पड़ा रहूंगा। तो पारिया कहती है, अभी आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास इतना कुछ है कि हम सारी जिंदगी बैठकर खा सकते हैं। दूसरी तरफ शहाबुद्दीन साहब को इत्तला मिलती है कि सिकंदर के बाप को अचानक हार्ट अटैक हुआ है और सिकंदर ने दिल अवैज को घर से निकाल दिया है। तो जी दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या दिल अवैज अपना घर बसा पाएगी या नहीं, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।